और सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताते हैं, महाराष्ट्र में सरकार पर संजय राउत का बयान सामने आया है। महाराष्ट्र में शिवसेना की ही बनेगी सरकार, ये संजय राउत कह रहे हैं। अंशिका, बिल्कुल। तो शरद पवार के बयान पर संजय राउत ने ये कहा है कि शरद पवार महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं, अपने सहयोगी से वो सहयोगियों से बातचीत भी कर रहे हैं, ये बात भी संजय राउत ने कही। बीजेपी के साथ फिर से जाने की कोई संभावना नहीं है, ये भी क्लियर संजय राउत ने कर दिया है। राष्ट्रपति शासन की मियाद खत्म होने से पहले सरकार बन जाएगी, यानी कि अभी वक्त उनके पास बहुत है, ये वो समझ रहे हैं। और हर दल चाहता है कि महाराष्ट्र में सरकार का गठन हो। अगर पवार साहब कुछ बात बोलते हैं उसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए, अनुभवी नेता बड़े नेता है। मैं इतना ही कहूंगा, सरकार बनेगी और सरकार का नेतृत्व शिवसेना करेगी। राज्य मंत्री है केंद्र में, अपने अधिकार अगर बढ़ा सकते हैं बतौर मंत्री तो बढ़ा लीजिए, हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। शिवसेना ही देश का सबसे बड़ा पार्टी है, हमारे 18 सांसद हैं और महाराष्ट्र में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए लगा है, उससे पहले जल्दी से जल्दी राष्ट्रपति शासन हटाकर एक पॉपुलर गवर्नमेंट बनाने के बारे में भी हमने कल पवार साहब से चर्चा की। वो भी चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन हटनी चाहिए, तब ये बहुत से जो मुद्दे हैं वो दूर हो जाएंगे। आप अगर कांग्रेस के नेताओं से पूछें वो भी चाहेंगे राष्ट्रपति शासन हटनी चाहिए, आप बीजेपी के नेताओं से बात करें वो भी चाहेंगे राष्ट्रपति शासन को हटाना चाहिए, तो उस बारे में बातचीत चल रही है।